नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहानपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कांग्रेस कार्यकर्ता निर्माणाधीन पानी टंकी पर चढ़ गया। कार्यकर्ता को पानी की टंकी पर चढ़ा होने की सूचना जैसे ही पुलिस को पता चली तो पुलिस के हाथ पैर फूल गए। वहीं लोगों का हुजूम भी लग गया। वहीं आपको बता दें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की मांग थी कि उसको रोजगार के लिए सरकार द्वारा पैसे मुहैया कराए जाए, जिसमें उसको सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में दवाई ना मिलना और सुविधा ना मिलना जैसे कई मुद्दों पर ज्ञापन दिया। आपकी मांगों के लिए आश्वासन दिया गया है, 10 रुपए के स्टाम्प पे आश्वासन दिया गया है। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती है तो आप क्या करोगे? फिर यही मैं करूँगा। कितने दिन जैसे बुलाया है आपको, कल जाएंगे? 5 दिन में ये सारी योजनाएं चाहिए हैं। ठीक, अगर 5 दिन में आपकी मांगे नहीं करोगे तो फिर मैं ऐसे चढ़ूंगा ऊपर, संघर्ष करता रहूंगा। मेरा कर्तव्य है, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को यहाँ पर मुझसे मिलना चाहिए आके। मैं यहाँ के लोगों की उनके सामने तो कांग्रेस का कोई जिला सचिव आया है यहाँ से आपके पास में? कोई जिला नहीं आया है अभी तक। तो आप कांग्रेस पार्टी के कैसे कार्यकर्ता? कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात ये बताइए, 10 रुपए के स्टाम्प पे आपने दिया है जबकि 10 रुपए के स्टाम्प की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आपने 10 रुपए के स्टाम्प पे क्यों दिया? कोई बात नहीं है, फिर चढ़ूंगा मैं, फिर करूंगा मैं। तो बार बार प्रशासन को परेशान करेंगे आप? कोई बात नहीं, मेरी परेशानी तो आप समझ रहे हो, जब मैं अपनी जान पे खेल सकता हूँ समाज। आपने जिला अधिकारी को क्यों नहीं बुलवाया? अब वो उनकी मर्जी है, नहीं आए कोई बात नहीं, मेरी मांग नहीं पूरी होगी फिर मैं करूंगा ऐसी, फिर उन्हें आना पड़ेगा। तो बेटा आपके कैसे नहीं चढ़ा था? कई बजे निकला घर से? क्या कह के निकला? ये लेकिन 2 दिन पहले भी तो चढ़ने वाला था, ये चढ़ने वाला था, पता नहीं क्या इसको हो गया। तो आप आवाज दो, आप बुलाओ, आपके बुलाने से हो सकता है आ जाए। आओ इधर आओ।